बसमिल खुदा ने जब सारे फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ और उसे सजदा करो तो सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े मगर शैतान सजदे में ना गिरा और इरकान इनकार कर गया और अकड़ गया और अकड़ के खड़ा रहा सारे फ़रिश्ते तो सजदे में थे लेकिन शैतान हज़रत आदम की तरफ पीठ फेरे खड़ा हुआ था फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया तो शैतान को देखा कि मनून तकबर से खड़ा है और हज़रत आदम की तरफ पीठ करके खड़ा है और इसने सजदा नहीं किया तो सारे फरिश्ते इस अमर पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए कि इन्हें सजदा करने की तौफीक मिली दोबारा फिर सजदे में गिर गए इस तरह ये फरिश्तों के दो सजदे हो गए दोस्तों शैतान के तकबर की वजह से हज़रत आदम को सजदा न किया उसने मलून ने अपने आप को हज़रत आदम से अफजल समझा इस बिना पर खुदा के हुक्म को खिलाफत हमत समझता रहा और इसके हुक्म से इनकार करके अकड़ गया